तो जैसे दोस्तों हमने 3x2 में पुश बटन ऑपरेटेड वॉल्व देखा था, वैसे ही ये 3x2 में रोटर ऑपरेटेड वॉल्व है। मतलब यहाँ पे भी तीन पोर्ट्स है और ये ऑपरेशन इसका जो होगा वो रोटर से होगा। रोटर को ऑपरेट कौन करेगा? तो आपका जो दूसरा पिस्टन रहेगा उसका जो रॉड है उसके रॉड से ऑपरेटिंग होगा। तो इसके लिए इसको मैकेनिकली ऑपरेटेड वॉल्व बोलते हैं और पुश बटन ऑपरेट को मैनुअली ऑपरेटेड वॉल्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, सप्लाई ऑन होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है ब्लॉक्ड है, इसलिए एसी आउटपुट नहीं निकल रहा है। अभी एसी आउटपुट कब आएगा? जब ये पिस्टन इस रोलर को ऑपरेट करेगा। तो जैसे ही ये रोलर देखो प्रेस हो गया, आपको एसी आउटपुट आना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये पिस्टन बाहर आ जाएगा आउटपुट बंद हो जाएगा। जैसे ही रोलर पिस्टन प्रेस हो हाँ जाएगा नहीं है आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3x2 रोलर ऑपरेटेड वॉल्व काम करेगा।